तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। आज को ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, जो डेली की तरह कहते रहते हूँ कि जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, अभी जो है ना, मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू किया और जस्ट अभी स्कूल से वापस आ चुका हूँ मैं, क्योंकि सुबह के टाइम पर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था और जस्ट अभी आया हूँ तो सीधा ब्लॉग को किया कंटिन्यू। अभी जो है ना, मैं रोटी खाती हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर ब्लॉग को करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि अभी जो है ना, हमें जाना है अम्मी लोगों के पीछे। फाइनली वो आ चुके हैं और उनके पीछे जाने, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। बॉय, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं तैयार भी हो जाता हूँ उस वक्त तक, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। One hour later. जो है ना, नमाज खैर मैंने पढ़ ली और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए। अभी मैं भाई आया हूँ शेरी के पास, और शेरी भाई 5 दिनों के बाद इनका टेस्ट हो रही है। काफ़ी टेंशन में कि मुझे पास करने ईटा का। शेरी कौन से ईटा यार, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। सेकंड ईयर के बाद बोलो फिर ईटा होता है, ये सिक्स में भी ईटा पता नहीं ये कौन सी ईटे की बात कर रहे हैं। खैर अभी इससे क्वेश्चन करते हैं, ये कहते हैं मैंने रात को इस्लामियात के क्वेश्चंस याद किए, तो देखते हैं उसे याद है कि नहीं। चलो करते हैं इससे, कोई से भी दे सकता हूँ ना। ठीक, तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के मुकाबले ईसाई फौज की तादाद कितनी थी? देखना नहीं ना, इधर बोलो। तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के मुकाबले ईसाई फौज की तादाद कितनी थी? 50,000, 70,000, 1,00,000, 2,00,000। अच्छा, हमको सिखा रही है। ओह अच्छा है। अभी तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक अफ्रीका की कौन सी नस्ल से था? बोलो, ऑप्शन बोलोगे ना तो सवाल आएगा ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21 हुक्मरान के नाम एक मरासला अपने सफीर हजरत वहिया قلب رجل تعالی کے ہاتھ بھیجا کون ہے؟ کسرا پرویز؟ نہیں 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 نہیں، غلطی ہو گئی۔ یہ فرسٹ ٹائم غلطی ہوگی شیری سے۔ آپشن شہاب شاہ نے صرف اتنے پیجز یاد کیے ہیں، اتنے سے، اور ابھی اسکور اتنے تقریباً اتنے۔ میت کا سارا یاد کیا ہے، سائنس میت کا بھی۔ اچھا کتنے سبجیکٹ ہیں اس میں؟ اس میں سارے سائنس، اردو، میتھ، اردو گرامر، آرٹ اور سائنس دونوں ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں شیری کیا رسپانس دے گا اس کے ٹیسٹ میں۔ اے فیو مومنٹس لیٹر، فائنلی جو ہے نا، گھر سے تو خیر ہم نکل چکے تھے، اور گھر سے نکلنے کے بعد ہم آدھے راستے تک گئے، پیٹرول نہیں تھا یار، تو اسے بھرنا تھا، تو واپس آ گئے ہم۔ تقریباً پتہ نہیں یہ جگہ کون سی، مجھے نہیں پتہ، لیکن بھائی لے کے آ گئے، میں اور بڑے بھائی پھر ان کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ خیر ابھی جو ہے نا، خیر گھر سے تو ہم نکل چکے تھے، اب جاننے والے پیٹرول ڈالتے ہوئے چلتے۔ A few moments later. जो है ना, अपनी जगह पर हम पहुंच चुके और अभी अभी वो आने वाले हैं, और ये मेरे बड़े भाई जरनोश भाई और इब्राहिम भाई, ये बड़े बड़े भाई हैं जिनके साथ मैं आए हूँ, और ये यूनिवर्सिटी से हैं इधर। तो अभी जो है ना, खैर वो तो आ गए, अभी उनको लेते हैं, उनको लेके चलते हैं। जी आप सदर साहब हैं, बिल्कुल। तो अभी ये आ गए तो इनको साथ लेके चलेंगे। One hour later. यार अभी लोग जो है ना, सब वापस आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और मैं भी खुशी तो आप देख सकते हैं। और अभी जो है ना, वो अब अभी हम रुक गए रास्ते पर ही, तो अभी वो लोग रोटी खा रहे हैं, तो मैं तो गाड़ी में बैठ गया व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी मैं भी जाऊंगा अंदर, अभी जो है ना घर पहुंच के ही फिर करेंगे व्लॉग को कंटिन्यू। उनके साथ में फैमिली बैठी हुई है, तो ना मुमकिन रहेगा।
खैर जब घर पहुंच गया ना तब लोग को करेंगे आराम से कंटिन्यू, और फाइनली आराम से वो घर पहुँच हमारे हमें मिल चुके हैं, और अभी जो है ना वो रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। One hour later घर है, अभी पहुंच चुके हैं हम, और वो भी खैर घर चले गए, और अभी जो है ना शायद आपको अजानी की आवाज़ें आ रही हों, और अभी शाम की अजानें हो रही हैं, तो मेरा थोड़ा सा काम है वो भी कर लेता हूँ मैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि काम डन करने के बाद मेरा स्कूल का भी काफ़ी काम बाकी है यार, उसे भी डन करना है। तो अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है फिलहाल, और अभी जो है ना व्लॉग को एंड नहीं करने वाले, क्योंकि अभी साथ थोड़ा बैठेंगे शॉपिंग, थोड़ा व्लॉग बना लेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट काफ़ी शॉर्ट बन रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, अपना काम निपटा देता हूँ, क्योंकि कोई टेंशन मुझे नहीं रहेगी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा अल्ली गौर से मुझे देखा, खैर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वो बैठेंगे, खैर काम तो मेरा ख़त्म हो चुका है, और अब से ना इंशाल्लाह अच्छे या अभी जो है ना व्लॉग में कुछ बेहतर आएगा, तो अभी जो है ना व्लॉग को करने वाले लोगों को एंड, और होपफुली ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं भी लगा तब भी कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।